तो सिडनी में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है, इट्स रियली हार्ड टू फाइंड। पार्किंग अच्छी मिल गई हमें बिल्कुल। ये देखिए, ये मेडिकल सेंटर है। अफगान कुजीन, इस एरिया में अफगानी ज्यादा हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो भाई आगे एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, सिडनी में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल है, इट्स रियली हार्ड टू फाइंड। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा टैक्स एजेंट, एक अच्छा मैकेनिक, एक अच्छा बार्बर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ अपने डॉक्टर साहब के पास। तो मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, और बहुत ही कोई भाई काबिल डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं हमारे ये। इनका नाम है डॉक्टर ज़िया, ये रोटी हिल में होते हैं, रोटी हिल मेडिकल सेंटर में। तो चले दोस्तों, घर से निकलते हैं। 20 मिनट दिखा रहा है, 18 किलोमीटर मेरे घर से। बाकी ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये बच्चों वगैरह को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर। अगर आप लोग को भाई इनकी खिदमत चाहिए तो आप लोग भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रोटी हिल मेडिकल सेंटर में ये होते हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं, आपके पास इनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। आज काफ़ी सनी डे है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा दिन लग रहा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा चले आपको भी आज दिखाते हैं मेडिकल सेंटर कैसे होते हैं यहाँ पे सिडनी के अंदर। और भाई बड़ा मुश्किल है वाकई सिडनी के अंदर एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना। ये लकीली मुझे मिल गए थे फेसबुक ग्रुप के थ्रू। तो मुझे जब भी कोई मुझसे डॉक्टर का पूछता है तो मैं इन्हीं को रेकमेंड करता हूँ। तो भाई हम आ गए अपने आई केयर मेडिकल सेंटर। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आई फैमिली मेडिकल सेंटर और हमें सिर्फ ये कार्ड की जरूरत है। अब चलते हैं अंदर, अपना चेक करते हैं हमारा नंबर कब आएगा। पार्किंग अच्छी मिल गई हमें बिल्कुल। ये देखिए, ये मेडिकल सेंटर है, आई फैमिली मेडिकल सेंटर। तो दोस्तों, हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरा पांचवा छठा नंबर है, टाइम लगेगा, आधा पौन घंटा लगेगा। तो बाहर मैं वेट कर रहा हूँ मेडिकल सेंटर के। और ये देखें, ये सामने ही आपको नजर आएगा रोटी हिल का जो है ट्रेन स्टेशन। वॉक इन है, लाइक 5 मिनट की भी वॉक नहीं है डायरेक्ट मेडिकल सेंटर की। और इसके अलावा और भी यहाँ बहुत कुछ बना हुआ है, केमिस्ट वेयर हाउस भी करीब ही है। बाकी ये एरिया भी अच्छा है, यहाँ ज़्यादातर हमारे देसी रहते हैं, मिडिल क्लास लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, इतने हाई फाई पोर्च फैमिलीज नहीं हैं इस इलाके में। लेकिन अच्छा है यार, अच्छे घर बने हुए हैं, सस्ते हैं थोड़े, माहौल थोड़ा सा मज़े का नहीं है, बट स्टिल इज्जत से आप रहते हो कहीं यार। देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह पे हलाल फूड मिलता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है काबुली हाउस, हलाल फूड है इनके पास, अफगान है ये सारा इनका फूड। काबुल जूस ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये है रोटेल स्टार टर्किश पिज्जा। टर्किश फूड यहाँ पे बहुत जो है कॉमन है, जगह जगह आपको केबाब शबाब मिल जाते हैं खाने को, बहुत भाई यहाँ पे रोटेल सुपरमार्केट। ये भी कोई मेरे ख्याल से अफगानी शॉप है, अफगानी बहुत है भैया। रोटेल मेडिकल एंड डेंटल सेंटर, और ये देखें यहाँ थोड़ा आगे आते हैं हम तो अफगान कुजीन, लाइक इस एरिया में अफगानी बहुत है। ये क्या है, बिग शेफ जी, बारबेक्यू शॉप है ये, डिस्काउंट शॉप है रोटी हिल,
उसके बाद है एटीएम, ये फ्रेश सी फूड मार्केट है, ये सारा अंदर सी फूड है इनके पास। अफगान कुजीन, इस एरिया में अफगानी ज्यादा हैं। और ये क्या है, ये भी कोई अफगान ही है, हुसैन है। सही, तो ये एरिया सारा जो है ना, मोस्टली यहाँ पे अफगानी है जो बिजनेस कर रहे हैं। बाकी लोग तो यहाँ पे सारे मिक्स हैं, लेकिन बिजनेस या तो चाइनीज का है, वियतनामीज का है इस एरिया में, या फिर ये अफगानियों का है। मुझे यहाँ का बेस्ट लेडी डॉक्टर चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारी ना लेडीज पाकिस्तान से पूछती हैं कि हमें कोई फीमेल डॉक्टर चाहिए। मैं ना एक लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तैयबा फातमा, वो यहाँ की सबसे मशहूर लेडी डॉक्टर और अच्छी भी हैं काफ़ी, लेकिन उन्होंने अपना नया मेडिकल सेंटर खोला हुआ है ओके रीजेंट्स पार्क में। तो 3 दिन यहाँ पर भी आती, लेकिन उनसे आप कर रहे हैं। क्या मैं ये अपने व्लॉग में मेंशन कर सकता हूँ? बिल्कुल डाल, क्योंकि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं लिटरली, तो चलेंगे, बड़ी हेल्प हो जाएगी भाई, बड़े लोग पूछते हैं। इंडियन है ये, हैदराबाद इंडिया है, उर्दू स्पीकिंग। जरूर जरूर, चलें डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़। तो बस भाई यहाँ से मेडिसिन लेते हैं, चेकअप हो गया, सब हो गया हमारा, और डॉक्टर से हमने फीमेल डॉक्टर का भी पूछ लिया है। तो ये फ़ायदा है आपका, कोई फैमिली डॉक्टर होता है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो बस जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है केमिस्ट वेयर हाउस, यहाँ से चलते हैं, हम अपनी मेडिसिन लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। लिविंग प्रिस्क्रिप्शन हेयर, तो ये जगह है जहाँ पे हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन छोड़ते हैं, इनको देते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन, दूसरी साइड से ये हमें फिर प्रिस्क्रिप्शन हमारी रिटर्न करते हैं। केमिस्ट वेयर हाउस ऑस्ट्रेलिया का चीपेस्ट वेयर हाउस है और सबसे बड़ा वेयर हाउस है, और सबसे चीपेस्ट प्राइस पे दवाइयाँ मिलती हैं। तो प्राइवेट से लेने से बेहतर है पहले आप इनको भी चेक कर लो, तो इजी हो जाता है आपके लिए, बहुत पैसे बच जाते हैं। थैंक यू। How are you today? Thank you so much. Have a good one. चलो भाई मेडिसिन हो गई हमारी। तो दोस्तों बताइएगा, यहाँ इस तरह से मेडिकल सेंटर का सिस्टम होता है, और इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा के आप अपनी मेडिसिन लेते हो, ये तो और तरीका है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का भाई। तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आप पैनाडोल चैनाडोल और छोटी मोटी दवाइयाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका इश्यू है तो आपके पास एक अदर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, तो आपको आपकी मन चाही दवाई मिल सकती है, लाइक जो आप चाह रहे हो। तो दोस्तों फाइनली हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं, डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई शवाई ले ली, अब करते हैं काम स्टार्ट। तो अब भाई आपसे लेगा इजाज़त,
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।